हेलो एवरीवन, हम क्लास सिक्स साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। ये जो बुक है क्लास सिक्स साइंस की, वो साइंस को लेकर के आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 14, जिसका टाइटल है वोटर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में वोटर को लेकर के कुछ फैक्ट्स हमें बताए हुए हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर यह बताया हुआ है कि जो हमारी अर्थ है उसका 2/3 पार्ट जो है वो वोटर से कवर्ड है। अब ये जो 2/3 पार्ट है वोटर का, वो मैक्सिमम अवेलेबल है हमारे सीज में, हमारे ओशंस में। और आप सभी को पता होता है कि जो हमारे सीज और ओशन का जो वाटर है उसमें सॉल्ट डिजोल्व होता है, वो एक तरीके से सेलाइन वाटर होता है, जिसको आप डायरेक्टली ड्रिंकिंग के पर्पज से और जो हमारी अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल नीड्स, इनके लिए आप इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। तो मतलब हमारी अर्थ के ऊपर वाटर की अवेलेबिलिटी तो खूब है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो वाटर जिसको हम यूज़ करते हैं, उस वाटर की अवेलेबिलिटी हमें कहाँ से होती है? इस बुक के अर्लियर जो चैप्टर हैं उनमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आप वाटर में, मान लो आपने जो सॉल्ट है उसको आपने डिसॉल्व किया, और अब आप चाहते हो कि सॉल्ट को हम जो है वो दोबारा से गेन करें, तो आप क्या करोगे? तो हमने एक्टिविटी के थ्रू ये डिस्कस किया था कि आप उस वाटर को गर्म करोगे, और जब आप उसको गर्म करते हो तो जो वाटर है वो वेपर में चेंज हो जाता है, और जो सॉल्ट है वो आपको दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारे सीज और ओशन में जो वाटर है जिसमें सॉल्ट डिसॉल्व है, लेकिन जब वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में वेपर में चेंज होता है वो वाटर, तो वो जो सॉल्ट जो है वो उसके साथ में नहीं जाता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जब आप वाटर को गर्म करते हो तो जो वाटर में जो चीज़ें डिसॉल्व है वो वाटर के साथ में नहीं जाएंगी। तो जो वाटर है वो वेपर के रूप में ऊपर उड़ता है, ठीक है? तो मतलब वाटर वेपर जो है वो इस तरीके से क्रिएट होती है। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि वाटर वेपर जो है वो सिर्फ यहाँ पर सीज और ओशन में जो वाटर अवेलेबल है सिर्फ उसी से क्रिएट नहीं होती है। इसके अलावा जो हमारे प्लांट्स जो होते हैं उसमें, हाँ, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है इस बुक के अर्लियर चैप्टर में, कि जो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसीजर होता है जिसमें वाटर का लॉस होता है प्लांट से, उसके थ्रू भी हमें वाटर वेपर की अवेलेबिलिटी होती है। अब जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो गया और धीरे धीरे जो है वो अर्थ से ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो यहाँ पर जो वाटर जो है वो वेपर में यहाँ पर चेंज हो रहा था, वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे दोबारा से कंडेंसेशन के प्रोसीजर के तहत जो है स्मॉल जो ड्रॉपलेट्स हैं उनमें चेंज होने लग जाएगा। टाइनी वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं उनमें चेंज होने लग जाएगा, और फिर जो है ये जो स्मॉल जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में मिक्स होकर के एक बड़ा जो है वो एक फॉर्म के रूप में सामने आती हैं, और उसी को हम बोलते हैं क्लाउड। जो हमारे स्काई में जो हमें क्लाउड दिखते हैं वो इसी तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है। और जब ये जो क्लाउड जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसीजर इतना ज़्यादा हैवी हाई लेवल का हो जाता है, तो ये जो क्लाउड है वो दोबारा से रेन के रूप में दोबारा से ये वाटर जो है वो हमारी अर्थ पर आ जाता है। और अर्थ पर जैसे ही वाटर आया, दोबारा से वो हमारे जो रिवर्स हैं, जो हमारी स्ट्रीम्स हैं, उनमें बह करके ये पानी जो है वो दोबारा से ओशियंस और हमारे जो सीज हैं उनमें इनकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो ये हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि वाटर जो है वो किस तरीके से वाटर वेपर में चेंज हुआ, दोबारा से वाटर वेपर से वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हुआ, फिर रेन के थ्रू वापस से आया, दोबारा से सीज और ओशन में वाटर आ गया। अब इस पानी को हम भी यूज़ कर पाएंगे, जो रेन के रूप में जो वाटर आया, जो फ्रेश वाटर है, जो एक तरीके से सेलाइन वाटर नहीं है, तो इसको हम स्टोर करके, इस चैप्टर के लास्ट में ये बताया हुआ है कि पानी जो है उसकी
यूजेबल जो वाटर है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है, तो हमें एक तरीके से अच्छे से उसको यूज़ करना चाहिए, और जो वाटर हमें अवेलेबल होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताई हुई है कि रेन के थ्रू जो वाटर हमें अवेलेबल होता है उसमें हर घरों में इस तरीके का सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि रेन के थ्रू जो वाटर है उसको स्टोर किया जाए और फिर उसको अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें यूज़ किया जाए। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, रेन के थ्रू जो वाटर हमें मिलता है उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो लैंड का जो वाटर है, हमारी अर्थ का जो वाटर है, उसको दोबारा से इसको रीस्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे घर की जो भी व्यवस्था है उसको इस तरीके से हम मैनेज करें कि सारा पानी जो है इकट्ठा होकर के यहाँ पर आए और इसको फिर लैंड में इस तरीके से हम सबमर्ज करने की कोशिश करें, ताकि जो है वो हमारा लैंड वाटर जो है, अर्थ का जो वाटर है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो सके। तो ये हमने जो डिस्कस किया, ये जो प्रोसीजर अभी हमने, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल, कि किस तरीके से हमें वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, किस तरीके से फ्रेश वाटर मिलता है और किस तरीके से ओशियंस और जो सीज हैं उनमें जो वाटर है वो दोबारा से रीगेन हो पाता है। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, दो एक्टिविटी इस चैप्टर में बता रखी हैं और उसमें बोल रखा है कि मान लो जो है वो एक्सट्रीम आपने क्या देखी, रेन देखी, एक्सट्रीम रेन आपने देखी, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगा, तो इसकी वजह से आप सभी को पता है कि एक्सट्रीम रेन होगी तो फ्लड आ जाएगी। और दूसरा बताया कि मान लो जो रेन है वो बिल्कुल कम नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो है वो आपको ड्रॉट देखने को मिलेगा। दोनों की वजह से जो है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो सभी इफेक्ट होंगी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। तो इस चैप्टर की जो अब हम समरी है जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ देखिए, देखो जो वाटर है वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। वाटर वेपर जो है वो इवेपरेशन के थ्रू और ट्रांसपरेशन जो प्रोसीजर है उसके थ्रू जो है वो एयर में मिलती है। वाटर वेपर जो है इसमें जो एयर में जब वाटर वेपर की अवेलेबिलिटी है और जब कंडेंस होती है वो वाटर वेपर जो है तो टाइनी ड्रॉपलेट्स में वो चेंज हो जाती है, और ये टाइनी ड्रॉपलेट जब आपस में मिलती हैं तो क्लाउड्स के रूप में हमें दिखती हैं। ओके, और फिर ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक साथ मिलकर के रेन के रूप में, स्नो के रूप में, हेल के रूप में दोबारा से अर्थ पर आती हैं। दोबारा से ये जो पानी आया वो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल, सोइल, इन सभी को दोबारा से रिप्लेनिस जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी हो पाती है। वाटर का ये जो साइकिल है, सर्कुलेशन है ओशन और लैंड के बीच में, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। और अगर एक्सेसिव रेन हो तो उसकी वजह से फ्लड आएंगे, और अगर लैक होती है रेन की तो उसकी वजह से ड्रॉट्स जो हैं वो क्रिएट होने लग जाते हैं, ड्रॉट्स का कोज बनता है लेस रेन। और इसके अलावा हमारी अर्थ पर जो यूजेबल वाटर है उसका अमाउंट काफ़ी कम है, तो हमें बहुत ही केयरफुली जो हमारा वाटर है उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको एक तो वो ध्यान में रखना है कि जो वाटर वेपर है उसकी अवेलेबिलिटी ना सिर्फ हमें वाटर की, जो वाटर गर्म हो रहा है उसकी वजह से, बल्कि ट्रांसपरेशन मतलब इवेपरेशन और ट्रांसपरेशन जो प्रोसीजर है उसके थ्रू हमें मिलता है। दूसरा, आपको ध्यान में रखना है कि वाटर को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें जो डिजोल्व्ड चीज़ें हैं वो वहीं पर रह जाती हैं, पानी के साथ में नहीं जाती हैं। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।